सर, अयोध्या का मसला और बहस से किनारा करते करते कोर्ट तक आया और कोर्ट लगातार अयोध्या मसले को लेकर कह रहा है कि इसकी सुनवाई में कोई डिले कोई देरी नहीं की जाएगी। आज जो पक्षकार हैं केस में उसमें से रामलला विराजमान ने कहा किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, ना स्वीकार की जाएगी, 24वें दिन की सुनवाई थी और कोर्ट के जरिए ही फैसला आएगा। देखिए, ये एक बहुत संवेदनशील मसला है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का। इसमें मैं समझता हूँ जितने भी पक्षकार हैं उनकी हर आदमी की अपनी एक लाइन है। मध्यस्थता पहले भी क्यों फैल हुई, इसलिए फैल हुई कि तीनों आदमी ये बात लेकर चले थे कि साहब मुस्लिम पक्ष जो है अपना दावा छोड़ दे और मंदिर बन जाए तो मध्यस्थता तो हो नहीं सकती। मध्यस्थता का मतलब होता है गिव एंड टेक, आप कुछ दीजिए कुछ लीजिए तो मध्यस्थता हो जाती है। यहाँ वो मसला है नहीं। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि वहाँ मस्जिद बने, उसकी आस्था है। हिंदू पक्ष ये चाहते हैं कि साहब वहाँ मंदिर बने और मस्जिद को वहाँ बिल्कुल जगह ना मिले, तो मध्यस्थता का तो कोई रोल हो ही नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब कोर्ट में मामला है तो फिर बार बार मध्यस्थता की बात आती क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को नज़र आ गया कि भाई अब जो है मामला तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है तो इस तरह के शगुफे छोड़ो लोगों में ताकि हमारी आस्था भी बनी रहे, हम लोगों में बने भी रहें और लोगों को हमारे ऊपर कोई किसी तरह का नाराज़गी भी ना हो कि साहब तुमने जो है कोर्ट में रहकर और सब कुछ करने के बाद ये केस हरा दिया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पक्षकारों को दिख रही हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी है, ये बहुत बड़ा इशू है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कोई नकार भी नहीं सकता। अभी आपको याद होगा फिर CBI के सामने कल्याण सिंह को उस मामले में पेश होना पड़ा था अभी 5-6 दिन पहले बाबरी मस्जिद के। उसमें अगर बाबरी मस्जिद को तोड़ना देश की नज़र में या कानून की नज़र में इतना आसान होता तो आज तक कल्याण सिंह पर यह कार्रवाई न होती। 17 लोगों के खिलाफ और षड्यंत्र का मामला चल रहा है जिसमें अडवाणी भी शामिल हैं, मुरली मनोहर जोशी शामिल हैं। तो सवाल ये है कि मध्यस्थता की बात नहीं आनी चाहिए। अब तो कोर्ट जो भी करेगा वही असल फैसला होगा और मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है और कोर्ट ने मन बना लिया है कि साहब सारे सबूत सारे एविडेंस होने के बावजूद बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला आ रहा है और ये लोग जो है अपनी मुँह की खाएंगे। लेकिन सर रामलला भी तो अता से दरकिनार ही कर रहा है, उसका भी यही कहना है कि मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। तो मध्यस्थता की जो कोशिशें की गई लगातार कई बार कई सरकारों में कई प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, वो सभी मध्यस्थता की कोशिश विफल रहा फेल रहा। कोर्ट का भी अब यही कहना है कि डे टू डे सुनवाई जो हो रहा है इस पर सीधा निर्णय है और अनुमान है कि नवंबर महीने में निर्णय आ सकता है। सुन्नी बकवर्ड हो, आज रामलीला विराजमान हो, इन सभी लोगों का यही मन है कि मध्यस्थता की जरूरत नहीं बची है। नहीं, यही लोग थे जिन्होंने श्री श्री रविशंकर की मध्यस्थता को स्वीकारा था, हालांकि निर्मोही अखाड़े ने उस वक्त भी नकारा था उनको और निर्मोही अखाड़ा नहीं चाहता था। बेंगलोर की मीटिंग में भी उन्होंने साफ कर दिया था कि श्री श्री रविशंकर को हम इसमें मध्यस्थता में नहीं चाहते, लेकिन कोर्ट के कहने के बावजूद चूंकि कोर्ट ने कमेटी बनाई तो उस वक्त निर्मोही अखाड़ा तो चुप रह गया, लेकिन रामलला विराजमान ने बाकायदा खुलकर उसकी ये किया था कि भाई हाँ ठीक है होना चाहिए। तो आज किस मुँह से वो मध्यस्थता को नकार रहे हैं, ये एक सवाल है। सवाल यही उठता है कि साहब आप अपने पक्ष को लेकर कितने मजबूत हैं। आप देखिए, जब हिंदू पक्ष की बहस चल रही थी तो जब कोर्ट ने कहा भाई आपके पास एविडेंस क्या है, तो निर्मोही अखाड़े ने कहा कि एविडेंस तो हमारे पास थे लेकिन साहब चोरी हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इनके मामले को कमज़ोर कर रही हैं और अब ये अपने हाथ से मामला खिसकते हुए देखकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है।